five English Grammar Chapter Two. Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is the sentence. Now think, read the given sentences and tick the correct ones and cross the wrong ones. आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, इनको पढ़िए. जो sentence सही है, उसके सामने के box में tick लगाइए. और जो सेंटेंस गलत है उसके सामने के बॉक्स में क्रॉस लगाइए फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव मेनी फ्रेंड्स अब ये सेंटेंस सही है तो इसको आप टिक करेंगे इफ आई लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस दे गोइंग स्कूल अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कुछ गलत है तो इसके आगे के बॉक्स में आप क्रॉस लगाएंगे इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस रीड करें और या वो सही हैं या गलत हैं उसी हिसाब से आप उनके सामने के बॉक्स में मार्क करें लेट्स डू दिस करेक्ट एंड राइट अबव रॉन्ग सेंटेंसेस अब जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस हैं इनमें कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप उन्हें सही करके लिखें फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंड सेंटेंस था दे गोइंग स्कूल ये सेंटेंस गलत था तो इसको हम सही करके कैसे लिख सकते हैं दे आर गोइंग टू स्कूल नाउ लेट्स रीड दिस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस तो वर्ड्स का वो ग्रुप जिसको पढ़ने से एक हमें कंप्लीट सेंस मिलती है कि ये सेंटेंस हमें क्या कह रहा है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं नाउ लेट अस लुक एट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सो द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर डेक्लोरेटिव इंटेगेटिव इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो सेंटेंसेस आर ऑफ फोर लेट अस बिगिन विद द स्टेटमेंट so, जहाँ पे कोई सेंटेंस एक स्टेटमेंट बना रहा है वो मेरा डेक्लोरेटिव सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल आई एम योर फ्रेंड माई पेरेंट्स लिव इन डेली नाउलोरेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज देंटेंस इट एफर्म्स अ प्रोपोजिशन मतलब ये डेक्लोरेटिव सेंटेंस जो है वो किसी चीज़ को अफर्म करता है डेक्लोरेटिव सेंटेंस दैट है पॉजिटिव मीनिंग आर कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंसेज तो जहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग निकलता है वहाँ पे मेरा ये एफर्मेटिव सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल द स्कूल री ओपन्स टूडे नेक्स्ट इज माई नेगेटिव सेंटेंस नाउ दिस निगेट्स अ प्रोपोजिशन ये किसी चीज को गलत करता है या मना करता है डेक्लिटिव सेंटेंसेज दैट हैव अ नेगेटिव मीनिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेज तो इनका थोड़ा नेगेटिव मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल ही कै नाट डांस नेक्स्ट वी हैव दी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन जो सेंटेंस कोई सवाल पूछता है वो मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल वट आर यू डूइंग वेयर डू यू लिव नाउ नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिज कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट तो जो सेंटेंस कोई कमांड ऑर्डर या रिक्वेस्ट शो करते हैं वो मेरे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं for example, have mercy upon us. never talk to me like that again. then we have exclamatory sentences. so exclamatory sentence expresses strong feelings. matlab jahapebi ko is strong feelings or emotions. show hothehe pe exclamatory sentence hota hai for example, how beautiful the night is. what a shame. now tell.

उस सेंटेंस में कन्वर्ट करें जो ब्रैकेट में दिया गया है सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द क्रिकेट टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे हो जाएगा विल द क्रिकेट फॉर्म रिटर्न होम आफ्टर द टूर्नामेंट इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को रीड करें और ब्रैकेट में जो डायरेक्शन दी गई है उन सेंटेंसेस में इनको कन्वर्ट करें now rearrange the following words to make meaningful sentences use capital letters full stops question marks and exclamation marks as required to aapko yahan pe group of words diye gaye hain इन words को आप rearrange ऐसे करें कि वो जो words दिए गए हैं उनसे आप एक meaningful sentence बना सकें जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें और जिस टाइप का सेंटेंस है उस हिसाब से आप फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं जैसे कि इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन एंड ही विद यस्टरडे एक्सीडेंट मेट अब इसको हमने किससे स्टार्ट करना है ही से सो so, मेरा सेंटेंस इसको मैं कैसे बना सकती हूँ ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे और एंड में फुल स्टॉप लगाऊंगी इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस को भी रीअरेंज करके बनाएं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने इनको कन्वर्ट uh, करना है उस हिसाब से जो आपको ब्रैकेट में डायरेक्शन दी गई है फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस डू यू थिंक दे आर गोइंग टू विन द मैच अब इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ डू यू थिंक दे आर नॉट गोइंग टू विन द मैच इसी तरह से जो आपको बाकी सेंटेंसेस दिए गए हैं और जो उनकी डायरेक्शंस दी गई हैं वैसे आप उनको चेंज करें नाउ मेक क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं इनके ऊपर आप क्वेश्चन बनाएं ऐसे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो उस क्वेश्चन का आंसर हो फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन येस आई डू हैव अ नोटबुक अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है डू यू हैव अ नोटबुक इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी बनाए लेट्स एंजॉय दिस डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप ऑफ फोर The teacher will give each group a word. Four students of that group will make four different kinds of sentences with that word. For example, the word given is food. So, student one makes the declarative sentence, My mother cooks delicious food. Then, student two makes an interrogative sentence, What is there in the food today? Third student makes an imperative sentence, Go and get the food. And the fourth student makes an exclamatory sentence Wow, what a delicious food! So, enjoy doing this exercise. I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.